चले हम क्लास के लिए विद दिस। क्या बोल रहा, पूछ रहा, बुक बुक आता है आगे बोल रहे। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाने डिपार्टमेंट, गाने डिपार्टमेंट कुछ बोलिए आप। हाय ब्रो, हाय ब्रो, बता दिए हमको अपने जगह पर से ना। इनको इनका इनसे सीट छीन लिया गया है। ऐसे भी ऐसे भी कुर्सी के लिए लोग लड़ाई करते हैं और हम कुर्सी हटाने के फेरे में आते हैं। दो तीन बिछड़े यार, डीप डिस्कशन, अतुल भाई पोज मारते हुए। बस मैच चल रहा है। ये है पीडिया क्लास, आप देख सकते हैं छात्र हमारे कितने ज्यादा उत्सुक है पढ़ाई को लेकर। ये है भाई जी, भाई पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ए रूममेट कहाँ है तोड़? ए रूममेट कहाँ तोड़? सबका पोल खुल जाएगा। फोकस ना गया, बाकी बैकग्राउंड में ब्लर हो गया ना। फीचर्स देख रहे हो, सैमसंग S22 अल्ट्रा फीचर्स, लोडेड मोबाइल। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग न्यू। सिर्फ ये वाला फेस जो है वो कलर्ड में है, बाकी सारा ब्लैक एंड व्हाइट। इम्तियाज भाई के साथ एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ। आयुष्मान भवा, ऑर्गन डोनेशन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, कोई नहीं किया, सब नाम का है। तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम आके रूम पे सो गए थे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप क्लास करते हैं सुबह से शाम तक तो शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि आप उठ के इधर उधर जा सके। तो हम लोग क्लास से आते हैं, फिर सोते हैं कम से कम एक घंटा, उसके बाद जाते हैं चाय पीने। तो ये चाय पीने वाला टाइम था। और मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा हो रखा है। यहाँ पे लग रहा है कोई पेंटिंग वेंटिंग है, जो कि है नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है, जो भी है बहुत बढ़िया है। तो गाइस आ गए रूम पे और समय हो रहा है अभी रात के लगभग 10 के आसपास हो रहा है। तो वीडियो नहीं बनाया था अभी तक, तो सोचे कि बना लेते हैं और वीडियो डाल भी देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। और अभी कुछ दिन से लगभग 3-4 दिन से अपना जो वीडियो है वो 4K पे हम नहीं डाल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 4K में बिना काम का जो ये साइज है वीडियो का वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो उतना कोई 4K पकड़ के देखता भी नहीं, और डालने से क्या फ़ायदा है, तो उसमें टाइम भी लगता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि डालने में टाइम लगता है, तो उसके लिए हम उसको आजकल जितना भी वीडियो हो रहा है उसको 180 पे ही डाल रहे हैं। तो ये हल्का हल्का कुछ अजीब सा लाइट का कमी नज़र आ रहा है हमको, वीडियो में चेक कर रहे थे लेकिन लाइट जल रहा है, फिर भी हल्का हल्का लाइट का कमी नज़र आ रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कब से चलेगा नया बैच का क्लास। तो नया बैच का क्लास चलने वाला है 10 तारीख से, ऐसा हमको सुनने में है। तो 10 से 15 के बीच में 2 डेट आया है, 10 है 15 है, तो हो सकता है कि या तो 10 से स्टार्ट हो या 15 से स्टार्ट हो। 15 से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉलेज में बीच में फंक्शन भी होने वाला है, कॉलेज एथनिक डे कुछ करके है, पता नहीं क्या है, नहीं पता। तो उस दिन कुछ ना कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, मतलब प्रोग्राम टाइप का, जो कि आज तक इस कॉलेज में सिर्फ सुने थे लोग कि ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन अब शायद से लग रहा है कि कुछ होगा। तो जो भी होगा तो उसमें अगर नए बच्चे आएंगे तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसके लिए शायद 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हम पता किए थे एकेडमिक्स में तो पता चला कि 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी आके कॉलेज से देख के जा भी रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ से अपना हॉस्टल में रूम वगैरह अलॉट करवा के। तो जो लोग नहीं आए हैं आप लोग आके हॉस्टल में रूम अलॉट करा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको रूममेट जो है वो कॉलेज ही सेलेक्ट करके देगा, आप अपने से खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पहले पहुँच गए तो, और नहीं तो फिर लास्ट में नहीं बचेगा, तो जहाँ जहाँ जगह खाली होगा वहाँ वहाँ ज़बरदस्ती आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी किसी से बात हुई है कॉलेज जाने से पहले और आपको लगता है कि वो आदमी ठीक है तो आप उसके साथ रूम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले जाकर ऑफिस में बोलना पड़ेगा कि हमको इस आदमी के साथ रूम चाहिए, तो कॉलेज वाले दे देंगे। ऐसा होता है, पता नहीं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बार आके चेक कर लीजिएगा। लो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।